दोस्तों नमस्कार, आप क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 16 जनवरी 2024 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं आज दिन भर में क्रिकेट के रिगार्डिंग जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, सभी अपडेट्स को वन बाई वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली हम एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए फटाफट हम बात करते हैं आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही T20 सीरीज को लेकर, जहां पर तीन मैचों की T20 सीरीज के दो T20 मैच ऑलरेडी समाप्त हो चुके हैं। पहला T20 मैच मोहाली में हुआ था, दूसरा T20 मैच इंदौर में हुआ था। दोनों मैचों में टीम इंडिया ने रोमांचक अंदाज से जीत दर्ज की, जिसके चलते फिलहाल इन तीन मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 से अजेय लीड हासिल अपने नाम कर ली है, सीरीज को यहां पर जीत लिया है। लेकिन फिर भी यहां पर क्लीन स्वीप के लिए सभी को बेसब्री से इस सीरीज के तीसरे T20 मैच का इंतजार है, जो हमें आपके 17 जनवरी को भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे से बेंगलुरु के स्टेडियम से लाइव देखने को मिलने वाला है। टीम इंडिया की निगाह क्लीन स्वीप पर रहेगी। वही दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम अभी भी अपनी पहली जीत का इंतजार कर रही है, जिसके चलते इस मैच में दोनों टीमें बिल्कुल अच्छी तैयारियों के साथ उतरने वाली है। लेकिन दोस्तों इस शानदार मैच के आगाज से पहले इस मैच को लेकर दो तीन बड़े बड़े अपडेट्स ब्रेकिंग न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है। चलिए वन बाय वन हम बात कर लेते हैं सभी अपडेट्स के बारे में। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है पिच रिपोर्ट को लेकर, जहां फाइनली तीसरे T20 मैच के लिए बेंगलुरु की लेटेस्ट पिच रिपोर्ट यहां पर रिवील हो चुकी है। मौसम तो बिल्कुल क्लियर रहेगा, मौसम को लेकर किसी भी टाइप की कोई भी टेंशन यहां पर नहीं है। पिच का यहां पर क्लोज लुक आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे हैं, जहां पर टोटली पाटा विकेट, बिल्कुल सपाट विकेट हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, फ्लैट विकेट हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते डेफिनेटली बेंगलुरु के स्टेडियम में हमें रनों की बारिश यहां पर होती हुई नजर आने वाली है। रॉयल रेडी टीम इंडिया के बल्लेबाज यहां पर काफी जबरदस्त फॉर्म में है, जिसके चलते भाई टीम इंडिया के लिए मतलब थोड़ी सी ज्यादा मदद यहां पर होने वाली है। थोड़ा सा पेस गेंदबाजों की तरफ थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखा जाएगा, क्योंकि भाई स्पिनर्स के लिए पिच पर अक्सर हमें कुछ देखने को मिलता नहीं है, जिसके चलते वही पिच सीरियसली काफी इंटरेस्टिंग यहां पर हो चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है उन बड़े बदलाव को लेकर जो हमें इस तीसरे T20 मैच में भारत की प्लेइंग 11 में देखने को मिलने वाले हैं। जी हां, 3-4 बड़े बड़े बदलाव यहां पर होने वाले हैं, जहां पर भाई सबसे पहले तो हमें ऐसा अपडेट देखने को मिला है कि इस तीसरे T20 मैच में भारत की प्लेइंग 11 से जितेश शर्मा को ड्रॉप करके उनकी जगह पर हमें संजू सैमसन प्लेइंग 11 में एंट्री करते हुए नजर आने वाले हैं। संजू सैमसन के कमबैक का सभी को बेसब्री से इंतजार भी है, काफी सारे बड़े-बड़े क्रिकेटर्स ने ऐसे यहां पर कमेंट्स भी किए हैं कि भाई संजू सैमसन टीम इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप में एक्स फैक्टर भी हो सकते हैं, जिसके चलते संजू को यहां पर डेफिनेटली चांस मिलने वाला है। और भाई टीम इंडिया यहां पर एक एक्स्ट्रा पेसर के साथ उतरने वाली है, आवेश खान हमें प्लेइंग 11 में देखने को मिलेंगे, और ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर को भारत की प्लेइंग 11 से बाहर जाना पड़ेगा, और भी एक दो छोटा-मोटा चेंज यहां पर हो सकता है, जिसके चलते भाई डेफिनेटली 2-3 बड़े बदलाव यहां पर इस तीसरे T20 मैच में होने वाले हैं। और इन बदलाव के साथ डेफिनेटली भारत की प्लेइंग 11 भी हमें पूरी तरह से बदली हुई नजर आने वाली है। चलिए तीसरे T20 मैच के लिए भारत की नई प्लेइंग 11 के ऊपर हम नजर डालते हैं। तो भाई यहां पर टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे कप्तान साहब रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल यहां पर होंगे। जी हां, गिल को यहां पर अभी भी चांस नहीं मिलने वाला है। जायसवाल ने पिछले मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था, नंबर 3 पर रन मशीन विराट कोहली होंगे, नंबर 4 पर हमें डेफिनेटली शिवम दुबे पिछले दोनों मैचों के हीरो यहां पर देखने को मिलेंगे, नंबर 5 पर हमें आपके संजू सैमसन एज विकेट कीपर बैटर खेलते नजर आएंगे, नंबर 6 पर हमें वन ऑफ द बेस्ट T20 फॉर्मेट के फिनिशर रिंकू सिंह देखने को मिलेंगे, नंबर 7 पर होंगे अक्षर पटेल, नंबर 8 पर हमें यहां पर डेफिनेटली आपके रवि बिश्नोई देखने को मिलने वाले हैं, नंबर 9 पर आवेश खान प्लेइंग 11 में कमबैक करेंगे, नंबर 10 पर होंगे हर्षदीप सिंह और नंबर 11 पर हमें मुकेश कुमार देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे मुताबिक कुछ ऐसी होने वाली इस तीसरे T20 मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11, लेकिन आपके मुताबिक कैसी होगी प्लेइंग 11 आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है टीम इंडिया की अगली सीरीज को लेकर, जहां पर मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान T20 सीरीज के जस्ट बाद इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर आने वाली है, जहां पर भारत और इंग्लैंड आपस में 5 मैचों की बहुत ही जबरदस्त बहुत ही बड़ी सीरीज खेलने वाले हैं। और भाई आपको टेस्ट सीरीज का पूरा कार्यक्रम ऑलरेडी अभी से काफी टाइम पहले बीसीसीआई और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड
बोर्ड ने मिलकर रिवील कर दिया था। शुरुआती दो टेस्ट मैचों के लिए ऑलरेडी यहां पर बीसीसीआई ने भारतीय टीम का ऐलान भी कर दिया है, जिसके चलते भाई सीरियसली तैयारियां जोरों शोरों पर है। लेकिन इस सीरीज की लाइव टेलीकास्टिंग को लेकर बहुत ही बड़ी खबर हमें देखने को मिली है, जहां पर आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया जा चुका है, बीसीसीआई ने खुद कंफर्म कर दिया है कि भारत में टीवी पर वाइकोम 18 कंपनी का चैनल स्पोर्ट्स 18 चैनल इस पूरी टेस्ट सीरीज की हमें टीवी पर लाइव टेलीकास्ट करते नजर आएगा। भाई यदि आप अपने मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री में 4K क्वालिटी में हमें इस टेस्ट सीरीज की लाइव टेलीकास्टिंग देखने को मिलने वाली है। फ्री डिश यूजर्स के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, जहां पर डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर भी हमें इस पूरी टेस्ट सीरीज की लाइव टेलीकास्टिंग देखने को मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2024 के रिगार्डिंग मुंबई इंडियंस की टीम को लेकर। जी हां, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। कल अचानक से यहां पर काफी सारी न्यूज वेबसाइट्स ने आर्टिकल्स छापे, जहां पर भाई आपको बताया मुंबई इंडियंस की टीम ने पिछले 2 महीने में जो झेला है सीरियसली कोई यहां पर नहीं झेल सकता। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स इन्होंने लूज किए और भाई सीरियसली इन्होंने बड़े बड़े हैरान करने वाले डिसीजंस भी यहां पर लिए थे। इन्होंने रोहित शर्मा को एज कैप्टन सैक किया, हार्दिक को कप्तान बनाया, जिसके बाद भाई आपके मुंबई इंडियंस के फैंस यहां पर पूरा आक्रोश उन्होंने लोगों ने यहां पर दिखाया। लेकिन इसी बीच यहां पर एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि मुंबई इंडियंस की टीम फिलहाल जिस राह पर चल रही है, जो बड़े बड़े डिसीजंस ले रही है, उनमें उनका मतलब प्लेयर्स के साथ किसी भी टाइप का कोई भी कनेक्शन हमें देखने को नहीं मिला है। और मुंबई इंडियंस की टीम में जो बड़े डिसीजंस ले रही है, इन सभी बड़े डिसीजंस से इनके प्रो कप्तान रोहित शर्मा, इनके वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, वन ऑफ द बेस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, तीनों खिलाड़ी यहां पर काफी ज्यादा निराश, काफी ज्यादा नाराज हमें देखने को मिले हैं। और ऐसा भी क्लेम किया जा रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स की फ्रेंचाइजी फिलहाल रोहित शर्मा के ट्रेड को लेकर डिस्कशन में है, एक ओपनर खिलाड़ी को वो इस टीम के साथ ट्रेड कर सकते हैं। खैर दोस्तों, जैसे यहां पर कोई नेक्स्ट अपडेट, फर्दर अपडेट हमें इन सभी सिचुएशंस के रिगार्डिंग देखने को मिलता है, तो अपडेट आपको डेफिनेटली सबसे पहले क्रिकेट इंडिया चैनल ही प्रोवाइड करने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है आईपीएल 2024 के शेड्यूल को लेकर। जहां शेड्यूल का सभी को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन शेड्यूल को लेकर आप सभी आईपीएल फैंस के लिए कल रात को यहां पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, जहां पर बीसीसीआई ने खुद आधिकारिक तौर पर यह कंफर्म कर दिया है कि आईपीएल 2024 का पूरा शेड्यूल फिलहाल बीसीसीआई ने तैयार कर लिया है। केवल यहां पर आपके मतलब साल 2024 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उनकी डेट्स की अनाउंसमेंट का इंतजार है। पूरा का पूरा शेड्यूल तैयार हो चुका है, बीसीसीआई को हैंडओवर किया जा चुका है, फ्रेंचाइजियों के पास भी शेड्यूल जा चुका है। और भाई आपके 2 फरवरी के आसपास यहां पर साल 2024 में होने वाले जनरल इलेक्शंस की डेट्स को डिसाइड किया जाएगा, और उसके जस्ट बाद हमें आईपीएल 2024 का पूरा शेड्यूल, पूरा कार्यक्रम ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर देखने को मिल जाएगा। और जैसे यहां पर पूरे शेड्यूल की अनाउंसमेंट हो जाती है, तो अपडेट आपको डेफिनेटली सबसे पहले क्रिकेट इंडिया चैनल ही प्रोवाइड करने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है आईपीएल 2024 के रिगार्डिंग ही रशियल के ट्रेड को लेकर। जी हां, अभी से 2-3 दिन पहले अचानक से एक बार फिर से यहां पर रूमर्स फैले, जहां पर ऐसा क्लेम किया गया था कि आंद्रे रसल के ट्रेड को लेकर फिलहाल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स और टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आपस में डिस्कशन में है। एक बड़ा ट्रेड हमें यहां पर इन दोनों ही टीमों के बीच रसल को लेकर देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके ऊपर हमें अब खुद यहां पर टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से क्लैरिफिकेशन देखने को मिल गया है। केकेआर ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया कि भाई जितनी भी खबरें उनके ट्रेड को लेकर इंटरनेट पर फैल रही है टोटली फेक है, टोटली रूमर्स है। और भाई यहां पर आंद्रे रसल के ट्रेड को लेकर किसी भी टाइप का कोई भी डिस्कशन यहां पर फिलहाल दोनों ही फ्रेंचाइजियों के बीच नहीं, और ना ही यहां पर इतने बड़े स्टार खिलाड़ी को टीम कोलकाता नाइट राइडर्स अपने स्क्वाड से ट्रेड करने का विचार फिलहाल कर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है आईपीएल 2024 के टाइटल स्पॉन्सर को लेकर। जी हां, मैंने आप सभी लोगों तक अपडेट पहुंचाया था कि भाई टाटा और आईपीएल के बीच जो 355 करोड़ पर ईयर की डील थी वो यहां पर ओवर हो गई थी, जिसके बाद बीसीसीआई ने आईपीएल के नए टाइटल स्पॉन्सर की यहां पर तलाश शुरू कर दी थी। बिडिंग प्रोसेस जस्ट कुछ टाइम के बाद हमें देखने को मिलेगा। लेकिन भाई कल हमें यहां पर एक शॉकिंग खबर देखने को मिली थी, जहां पर आदित्य बिरला ग्रुप, जी हां एक बहुत ही बड़ा ये फाइनेंस ग्रुप है, और भाई इन्होंने यहां पर ऐलान कर दिया था कि आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के पद के लिए इन्होंने 500 करोड़ रुपए का बजट यहां पर बना रखा है। 500 करोड़ रुपए की बिड यहां पर इन्होंने आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर पद के लिए लगा दिया। अरे भाई, बीसीसीआई के पास तो करोड़ों रुपए की बरसात होगी, लेकिन जैसे यहां पर आदित्य बिरला ग्रुप ने यह बड़ा डिसीजन, बड़ा फैसला लिया है, तो इससे भाई जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे, ड्रीम इलेवन था, जियो था, और उसके अलावा आपकी कैंपा कोला कम बैक करना चाहती थी, सभी के मतलब होश यहां पर उड़ गए हैं। और भाई कहीं ना कहीं मैं भी ऐसा बोल रहा हूं, 90%
परसेंट ऐसा कंफर्म लग रहा है कि भी आपका आदित्य बिरला ग्रुप हमें आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन का टाइटल स्पॉन्सर की कुर्सी पर, टाइटल स्पॉन्सर के पद पर हमें देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है शिवम दुबे को लेकर। जी आप सभी को पता है कि रिसेंटली शिवम दुबे ने पिछले दोनों ही T20 मैचों में कमाल, लाजवाब, धमाकेदार परफॉर्मेंस किया है। लेकिन भाई सेकंड T20 मैच को जिताने के बाद वो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में आए थे, जहां पर उन्होंने अपने परफॉर्मेंस के ऊपर टोटली क्रेडिट्स यहां पर महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग की टीम को दिए। जी हां, उन्होंने ऐसा बोला कि महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनशिप के अंडर खेलने के बाद उनको मतलब हर टाइप का प्रेशर झेलना वो बिल्कुल अच्छी तरह से सीख गए हैं। फिलहाल बल्लेबाजी करते टाइम वो काफी ज्यादा पॉजिटिव यहां पर रहते हैं, जिसके चलते लंबे लंबे हिट्स, लंबे लंबे छक्के वो यहां पर मैदान पर लगाते हैं। उन्होंने टोटली पूरा क्रेडिट यहां पर महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग की टीम को अपने परफॉर्मेंस के लिए, अपने स्टैंडिंग्स के लिए दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है सचिन वर्सेज युवराज मैच को लेकर, जिसके बारे में मैंने पहले भी आप सभी लोगों को बताया था, लेकिन काफी सारे लोगों के जहन में सवाल थे कि भाई कब ये मैच होगा, किस तरह के स्क्वाड्स होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सचिन वर्सेज युवराज सिंह, जी हां, एक टीम के कप्तान होंगे सचिन तेंदुलकर, एक टीम के कप्तान होंगे यहां पर युवराज सिंह, और एक ये चैरिटी मैच होने वाला है 18 जनवरी 2022 को। हमें शायद OFC ओ कप नाम का एक टूर्नामेंट है, वहां पर यह मैच देखने को मिलेगा। खैर दोस्तों, इसके ऊपर एक पूरी स्पेसिफिक, पूरी डिटेल्ड वीडियो आज दोपहर में आपको अपने चैनल पर डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी, तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है T20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर, जहां पर भाई आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां फिलहाल बिल्कुल जोरों शोरों से चल रही है। 1 जून से 29 जून के बीच यह शानदार टूर्नामेंट हमें वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स में देखने को मिलने वाला है, और भाई एक्साइटमेंट सीरियसली यहां पर अपर लेवल पर जा चुका है। और भाई एक्साइटमेंट इसलिए गया है क्योंकि भाई इंडिया वर्सेज पाकिस्तान हमें 9 जून को न्यूयॉर्क के स्टेडियम में देखने को मिलेगा। लेकिन भाई स्क्वाड सेलेक्शन को लेकर फिलहाल डिस्कशंस यहां पर बरकरार है, और भाई जैसे यहां पर आईपीएल का शेड्यूल आ जाता है उसके जस्ट बाद आईसीसी की तरफ से हमें एक फाइनल डेट देखने को मिल जाएगी, जिस डेट से पहले पार्टिसिपेट कर रही 20 की 20 टीमों को अपने फाइनल स्क्वाड्स की अनाउंसमेंट यहां पर T20 वर्ल्ड कप के लिए करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कर इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।